आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की चाल यू है। इस दूरी तय करने पर यह चाल दोगुनी हो जाती है। यदि यह अतिरिक्त दूरी तय करे तो इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, चार ऑप्शन हमको दिया गया है। क्या दिया हुआ है, देखिए, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु है, ठीक है, उसकी चाल यू है। तो कोई वस्तु क्या है मेरा, यू चाल से गति कर रहा है, ठीक है, और त्वरण क्या है मेरा, नियत है। ठीक है, एक समान त्वरण है, इस दूरी तय करने पर इसकी चाल क्या होती है, दोगुनी हो जाती है। अगर यह देखिए इस यहाँ से यहाँ तक ये एस दूरी तय किया तो इसका चाल यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू यू हो जाएगा। ठीक है, दोगुना हो जाएगा। तो यह अतिरिक्त दूरी तय करे, ठीक है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है हमसे, देखिए सबसे पहले तो यू प्रारंभिक वेग, देखिए हमको सूत्र जो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जो टू एस होता है, ठीक है, गति का तीसरा सूत्र होता है, उससे हम लोग देखिए भी मेरा कितना है, टू यू, यानी दो यू स्क्वायर, दो यू का पूरा का वर्ग बराबर यू स्क्वायर जोड़ टू ए एस। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, यहाँ से आ गया कि चार यू स्क्वायर में से एक यू स्क्वायर घटा, मतलब थ्री यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। ठीक है, ये एक समीकरण मिला हमको। अब मान लीजिए कि ये एस दूरी और तय कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये एस दूरी और तय कर रहा है, जहाँ पे इसका वेग कितना मान लीजिए भी हो गया। तो पूछा है कि ये जब यह एस अतिरिक्त दूरी, देखिए एस यहाँ छोटा होता है, एस अतिरिक्त दूरी और तय कर रहा है तो इसका वेग कितना हो जाएगा, इसका चाल जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए चाल मेरा भी है। तो यहाँ से देखिए भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर जोड़ टू ए एस, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा एस, दो एस हो जाएगा, दो एस तो बराबर कितना हो गया, ये यू स्क्वायर, यू स्क्वायर मेरा कितना है, तो देखिए यहाँ से हमको यू के रूप में लाना है तो इसको बदलना होगा, तो यू स्क्वायर जोड़ चार ए एस ये हो गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चार ए एस कितना हो जाएगा, टू ए एस बराबर तीन यू स्क्वायर, तो चार ए एस बराबर छः यू स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं चार ए एस बराबर छः यू स्क्वायर, यहाँ से नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि दो ए एस बराबर तीन यू स्क्वायर है, तो चार ए एस बराबर छः यू स्क्वायर होगा, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं छः यू स्क्वायर तो बराबर यू स्क्वायर जोड़ छः यू स्क्वायर, तो भी स्क्वायर बराबर कितना हो गया मेरा, सेवन यू स्क्वायर। तो भी मेरा कितना आ गया, भी बराबर आ गया वर्गमूल सात यू। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर डी, वर्गमूल सात यू मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।